हेटर्स लोगों ने मेरे ऊपर बहुत हेट वीडियोस बनाए और अभी हम इंदौर में रुकने वाले हैं। उन्होंने मेरे आवाज का मजाक बनाया। इंदौर पहुंच चुके हैं और ये हमारा रूम है। उन्होंने मेरे दांतों का मजाक बनाया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे सवेरे पूजा चल रही है। उन्होंने मेरे बात करने के तरीके का मजाक बनाया। अभी हमारा गांव आ रहा है पास में। उन्होंने मेरे हकलाने का मजाक बनाया। फ्रेंड्स, तो मेरा घर आ गया है, ये देखिए। उन्होंने मेरे कपड़ों का मजाक बनाया। 13 साल की एज में वो मुझे गालियां तक देने लगे। मैंने तो किसी के घर की रोटी मांग के नहीं खाई ना, तो मुझे भला बुरा बोलने का किसी का कोई हक नहीं। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैंने अपने मम्मी को बोला था कि मुझे एक यूट्यूब चैनल बना के दो। पहले तो मम्मी नहीं मानी, लेकिन मैंने बहुत जिद की। फिर मम्मी भी मान गई और मम्मी ने मुझे एक यूट्यूब चैनल बना के दिया, जिसका नाम मैंने पहले बिंदास के रखा था, यानी कि बिंदास काव्य और कृष्णा। फिर मैंने मेरी मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे ना गोप्रो कैमरा लेके दो, लेकिन बिना पापा के परमिशन के मम्मी मुझे 30,000 का गोप्रो कैमरा तो नहीं दिला सकती थी ना। फिर मैंने मम्मी को बहुत मनाया और मम्मी ने पापा को मनाया। फिर पापा ने मुझे लेके दिया मेरी लाइफ का फर्स्ट गोप्रो कैमरा। और पापा ने गोप्रो कैमरा देते वक्त मम्मी से और मुझसे क्या कहा पता है? तो बोलो पापा, आपने गोप्रो कैमरा देते वक्त मम्मी से और मुझसे क्या कहा था? सेम वही डायलॉग बोलना। एक साल में तुम ये चैनल वैनल सब भूल जाएंगे। और एक साल के 2 साल हो गए, 2 साल के 3 साल हो गए, 3 साल के 4 साल हो गए, 4 के 5 हो गए, आज 5 साल पूरे हो गए। ना तुम बंद हुए, ना तुम्हारा चैनल बंद हुआ, सिर्फ मेरा बोलना बंद हो गया। पापा, आपको याद है ना, मुझे 12-13 साल की उम्र में व्लॉग के साथ साथ मोटो व्लॉगिंग भी करनी थी, वो भी स्पोर्ट्स बाइक पे। मैं भी कितनी ना समझती ना। और आप सबको पता है मुझे मोटो ब्लॉगिंग का भूत किस यूट्यूबर को देख के चढ़ा था? जाने तो अभी नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन वो बहुत बड़े यूट्यूबर है और मुंबई से है। इनफैक्ट उनके ना यूट्यूब चैनल का नाम भी मुंबई से स्टार्ट होता है। और मुझे ना मोटो ब्लॉगिंग पापा के साथ में करनी थी, तो मैंने ना पापा को 3 लाख की स्पोर्ट्स बाइक भी लेने लगाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ मेरी न्यू बाइक लेने, तो आप भी चलिए मेरे साथ शोरूम। और तब पता है मेरे सब्सक्राइबर कितने थे? 500। और मेरे जिद के आगे ना पापा ने बाइक भी ले ली है ना पापा। मेरी मम्मी है ना हमेशा बोलने की कि है ना जो काम हमने शुरू किया है ना उसको पूरा करने का, ऐसे बीच में हार मान के ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि एक बार हम समंदर में कूद गए तो तैरना तो पड़ेगा ही, नहीं तो है ना बीच में अगर रुक गए तो डूब जाओगे। और जब मैं पूरी तरह से मायूस हो गई थी, हार गई थी ना, तब पापा ने मुझसे एक बात कही। और जब पूरी दुनिया लग जाए ना तुमको पीछे खींचने के लिए, तो एक बात समझ लेना कि तुम है ना सही रास्ते पर हो और इसी रास्ते पर आगे बढ़ते जाना है। तुमको कोई नहीं हरा सकता। जब तक तुम अपनी हार नहीं मानते, तब तक तुमको कोई नहीं हरा सकता। 2 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बुजुर्ग तक सब लोग तुझे चाहते हैं। तूने कुछ तो अच्छा किया होगा, तूने कुछ तो खुशियां लाई होगी उनके लाइफ में। पापा ने ये बात तो बिल्कुल सही कही। क्या मैं इतनी स्पेशल हूँ सबके लिए?
तभी तो वो तुझसे मिलने आते हैं, तेरे साथ फोटो खिंचाते हैं। 80 साल के लोग भी तेरे साथ फोटो खिंचाते क्यों? तूने कुछ तो खुशियां लाई होगी ना उनके लाइफ में। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जब एक बेटी के पीछे उसकी माँ खड़ी हो जाए तब उसको ना पूरी दुनिया मिलके भी नहीं हरा सकती, चाहे कुछ भी हो जाए उनको हराना इम्पॉसिबल है। तो इसी बात पे ना तेरे लिए एक सरप्राइज मंगाया वाला है मैंने। ओ पापा प्लीज, वो है ना सरप्राइज बोल के केक मत कट कराना प्लीज। काव्य के चैनल को 5 साल हो गए तो छोटा सा घर के घर में सेलिब्रेशन करते हैं। तो करेंगे ना, केक ऑर्डर कर दे। ला मोबाइल दे, मैं ऑर्डर करता ला। अरे नहीं नहीं, उसके बाद में भी है, थोड़ा सरप्राइज है उसके बाद में। मतलब पापा आपने केक ही मंगाया हुआ है ना? यार ये क्या सरप्राइज हुआ? केक का डब्बा आएगा, उसको खोलेंगे और सरप्राइज। ऐसे थोड़ी ना सरप्राइज होता है। पापा ये मोटा हाथी तो मर गया था ना, तो ये जिंदा कैसे हो गया ये मोटा हाथी? ये बच्चों के लाइफ में ना बहुत ट्रेजेडी हो रही, ट्रेजेडी। वो क्या है ना, वो नानी के मोरनी को मोर छुड़ा के लेके जा रहे, काले चोर लेके जा रहे, फिर उसके बाद में हाथी वो मकड़ी के जाल में फंस जा रहे, और तितली उड़ी उड़ ना सकी, वो तितली को उड़ना नहीं आ रहा। बहुत दुख है ये बच्चों के लाइफ में। पापा तुमने ये ना ये केक और ये ब्रेड क्यों लेके आया आज के अपने घर में? किसी का हैप्पी बर्थडे टू यू है क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू? तैयार हो जाना। क्यों? पापा ने बोला तैयार होने के लिए। तेरे लिए एक सरप्राइज है। मेरे लिए एक सरप्राइज है? हाँ। क्या सरप्राइज है? तू अच्छे से परी के जैसे तैयार हो जा। क्या कर रहे हो आप लोग उधर? तू तैयार तो हो जा। ठीक है, क्या पहनूं? तू भी अच्छा ड्रेस पहनना। नहीं नहीं, उधर नहीं आने का, यही रूम में बैठने का। ब्राउन ब्रेड मंगाया मैंने, ये पुराना है ये। हाँ पुराना है, देखा मैंने। तो देखो मैं ना ये रेड कलर का 32 गाउन पहनने वाली हूँ, वो भी बहुत दिनों के बाद। सरप्राइज गिफ्ट लेके आए, लेकिन मैंने पहले ही सीसीटीवी में से देख लिया था। देखो पापा आ गए, और पापा पता नहीं ये क्या लेके आए हैं, और कब से बाहर गए थे मुझे कुछ बताया भी नहीं। क्या चल रहा है मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और डोर भी बाहर से लॉक करके रखा है, मेरे को बाहर भी नहीं आने दे रहे। लेकिन मैं पापा का सरप्राइज सरप्राइज ही रहने दूंगी, और ऐसे दिखाऊंगी कि मुझे कुछ पता ही नहीं। ये क्या लाए? इधर लो। ठीक है, रहने दो, इधर बाहर ही रखो, यहाँ पे बाहर रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे बाहर। बात कितना बड़ा है? उसको ना बहुत बड़ी स्क्रीन चाहिए थी। चलो बहुत ही बड़ा लाया चीकू। हाँ देखो ना, डोर पे बाहर से लॉक करके रखा है, मम्मी को बुला भी नहीं रहे। मम्मी आऊँ क्या मैं? कितना रुको, कब से वेट ही कर रही हूँ मैं। चलो चलो जाओ क्या? हाँ लेके आओ। ए जी चल दीदी को लाने के लिए। पापा जाओ अभी ना दीदी को लेके आओ, अभी सरप्राइज देने का। वो केक है ना सूखा चला जा रहा, सूखा। पापा आके चल रहे हैं।
यू। हैप्पी बर्थडे भी बोल सकते हैं ना। हैप्पी बर्थडे टू यू। किसका बर्थडे थी? फिफ्थ बर्थडे टू बिंदास काव्या यूट्यूब चैनल। अरे रुक, अभी सरप्राइज बाकी है तेरा। बोलो ना क्या गिफ्ट है मम्मी, आपको पता है? पता है मुझे। चाहिए था ना? हाँ। बड़ी स्क्रीन चाहिए थी ना? ले अभी बड़ी स्क्रीन। कृष्णा लगता है पापा ने ना इसमें ना बहुत बड़ा आइटम लाए वाला है, तो अपन क्या करते हैं ना इसके अंदर की चीज निकाल के ले लेते और दीदी को ना ऊपर का खाली बॉक्स दे डालते। पापा थैंक यू सो मच इतने बड़े गिफ्ट के लिए। मुझे कितने दिनों से ऐसी बड़ी वाली स्क्रीन चाहिए थी गेमिंग के लिए। चलो अभी ना तुम सब रेडी हो जाओ, कपड़े वपड़े चेंज करो, अभी हमको जाने का है बाहर। बाहर बोलता मैं, चलो तुम पहले रेडी हो जाओ। वो क्या है दीदी है ना, मैं ये बड़े बॉक्स की ना रखवाली करता, तुम लोग जाओ बाहर, मैं ना ये इसका ध्यान रखूंगा ये बड़े बॉक्स का। तो चलो पापा ने जो मुझे इतना बड़ा सरप्राइज गिफ्ट दिया है ना उसको हम अनबॉक्स कर जाओ। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको अनबॉक्स करने के लिए, क्योंकि है ना ये जो स्क्रीन है मुझे बहुत दिनों से चाहिए थी। मैं मतलब बहुत दिनों से बोल रही थी कि मुझे गेमिंग के लिए बड़ी स्क्रीन चाहिए। देखो इसको, देखो मुझसे ज्यादा एक्साइटेड है ये। अरे दीदी उसको है ना वो कैंची से नहीं काटने का, ये जो लकड़ी का चाकू है ना केक कट करने का, इससे कट करने का है ये बॉक्स को। मेरे को ऐसे लग रहा है कि अब ये गिफ्ट चला गया मेरे हाथ। देखते हैं ना ये स्क्रीन कैसी दिखती है एक्चुअल में। इसे अच्छी है ना, बाय द वे आप ही कमेंट में बताना, मेरे को बहुत अच्छी लगी।
अरे भाई, मुझे यूट्यूब पे 5 साल हो गए और इतने से सेलिब्रेशन से कुछ नहीं होगा। एक फुल फैमिली पार्टी भी तो बनती है। और हाँ, हेट वीडियोस बनाने वालों, जली ना, तेरी भी जली ना। चलो फ्रेंड्स, जिसको जल में जलते रहने दो, हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। और आपको पता है, इस दिन को मेरे चाहने वालों ने काव्य लाइंस डे का नाम दिया है। 7 नवंबर को काव्य लाइंस डे बना दिया है। थैंक यू सो मच। जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। पार्टी तो अभी जारी है।